I'm going back. Mark the location. तो यार आ चुके हैं वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार, जैसे कि हर कस्टम में गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मुझे नीचे गाड़ी देखी, मैंने बोला भाई मैं नीचे गाड़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम तो आगे उतरो। एंड ऊपर जस्ट हमारे एक पूरी की पूरी चार बंदों की टीम है जो कि थोड़ी आगे जा रही है ग्लाइड करके, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक बंदा जो है पीछे उतर जाता है। मैं और मेरे टीम मेट उसे देख लेते हैं, इसलिए हम आगे ग्लाइड कर जाते हैं क्योंकि वो पहले उतर चुका था, तो हम ये वाले कंपाउंड पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे उतरने के बाद सबसे पहले मकसद ये था कि भाई हम तीन यहाँ पे गाड़ी उठाएंगे, हमारे पीछे से बंदा एक गाड़ी लेके आएगा, हम सब बैठ के उसके ऊपर रश कर देंगे। अब ये हार्डकोर मैच था यार, और इसमें जब भी तुम कोई गन उठा रहे हो तो भाई वापस उसको रीलोड करना पड़ता है। ये एक काफ़ी मतलब कस्टम ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ यार ये थोड़ा सा इरीटेट ज़रूर करता है, मतलब गन उठाओ फिर उसको रीलोड करो सारी की सारी। फिलहाल यहाँ पे ना हम सारे के सारे बंदे ये फैसला करते हैं कि जितने के पास जिस जिसके पास जो जो गन है हम वो पकड़ के सीधा रश कर देंगे। और वैसे ही होता है, एक बंदा उतरा था सिर्फ इन कंपाउंड्स में, उसके बाकी के बंदे पीछे वाले कंपाउंड्स में उतरे थे जो कि बिल्कुल इस कंपाउंड के हल्का सा पीछे पड़ता है, तो जो एक बंदा था हमने उसके ऊपर रश कर दिया। अब पहले तो उसने मारने की ट्राई करी, लेकिन शॉटगन देखते वो अंदर चला गया वापस और हल्का सा बचा यार वो शॉटगन से पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे ना उसके पास उसी थी, हमारे पास शॉटगन थी, तो एक एक करके जाते तो ठेले जाते, तो हम सब इकट्ठे हुए, हमने बोला भाई चलो एकता का बल दिखाते इसको और सीधा मैं आगे बेट बनूंगा, ये दोनों मारेंगे उसको, ठीक है। तो गैडी स्टेडी होता है और उसके बाद जो है मैं भागता हूँ, पीछे से कंफर्मेशन आती है और देखो फाइनली इस बंदे को नॉक कर दिया। हालांकि मुझे बेट बनना पड़ा, बट काम अपना बन गया, अपनी टीम के लिए बन गया भाई काम, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। फिलहाल इसके टीममेट भी जस्ट जैसे सुनते हैं कि भाई उनका टीममेट मारा गया है, तो वो जो लूट रहे होते हैं वो जो है फटाफट हम पे हमारे ऊपर रश करने के लिए आते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे टीममेट पहले ही जा चुके होते हैं और मेरे यहाँ पे सामने बगी थी, तो मैंने बोला मैं आता हूँ यार, ठीक है। अब होता क्या कि हम तो उधर जा रहे थे, लेकिन उधर से क्या होता है कि वहाँ पे ऑलरेडी बंदे पहुँच गए होते हैं, तो मेरे टीममेट जो है वापस आ जाते हैं। अब जब ये वापस आते हैं और मेरे सामने से गुजरते हैं, तभी देखते हैं पीछे उनकी टीम आ रही है। और ये उन्हीं बंदों की टीम है, ये उन्हीं बंदों की टीम है जिसके बंदे को हमने मारा था। यार हमारी टीम अच्छी जगह पे रुक के इनके एक बंदे को नॉक करती है, एंड ये वाली टीम को भी मारने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता। एंड इसी प्रकार से हम स्टार्टिंग में जो है काफी सारे किल जो है सेव कर लेते हैं, चार किल हमने स्टार्टिंग में सेव कर लिए हैं और ये वाली टीम को पूरा का पूरा वाइप आउट कर दिया है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अच्छी खासी जो है लूट भी मिल जाती है, एंड टीपी तो मैं उठाऊंगा जो कि आगे जाके जो है काफ़ी काम आने वाली है वैसे भी। फिलहाल क्योंकि अब हम यहाँ पे लूट चुके थे, ठीक है सेमी लूट हो चुकी थी हमारी, तो हम कंपाउंड्स के लिए जाते हैं। फिलहाल क्योंकि मैं सबसे आगे रहता हूँ, तो मैं देख रहा था यार कौन से कंपाउंड पर रुका जाए। फिलहाल तो टेम्प्रेरी बेसिस पे थोड़ा और लूट करने के लिए हमको एक छोटा मोटा कंपाउंड चाहिए रहेगा, जहाँ पे हल्का सा एमओ एमओ मिल जाए हमको, तो वो कंपाउंड पहले मैं चूज़ करता हूँ ये वाला। यहाँ पे कोई होता नहीं है ज़्यादातर, और क्योंकि इस तरफ तो पाथ भी नहीं था, तो बंदे आने के चांसेस बहुत कम है, वैसे भी दो चार घर है, तो ज़्यादा कुछ मिलता है नहीं यहाँ पे, तो लोग भी नहीं उतरते दैट्स वाई। तो हमने सोचा यहीं पे ठीक है, जो गन वन एमो एमो जिसको जो चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। स्कोप मैंने एक्स्ट्रा उठा ही लिया अपने टीममेट को देने के लिए, देखना ये होगा कि भाई चिकन डिनर निकल पाता है कि नहीं। कस्टम में चिकन डिनर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है यार, क्योंकि बॉट नहीं होता पहली बात, और दूसरा सारी टीमें जो है काफ़ी सीरियस खेलती है। तो अब मैं यहाँ पे पाथ बनाता हूँ, ये पाथ मैं घरों के बीच में से होते हुए बनाता हूँ और सेंटर पकड़ेंगे हम इस पाथ के थ्रू। अब इस पाथ के ऊपर काम भी करना था, अब मैं निकलता हूँ इस पाथ को देखने भाई क्या इस पाथ में कमियाँ हैं। तो भाई देखो वो पाथ पे गए, बीच में से फिर कुछ और ही चेंज कर दिया क्योंकि आगे बंदे थे, और फाइनली एक न्यू पाथ के थ्रू मैं पहुँच जाता हूँ जोन के सेंटर में। इरेंगल पे अगर आप खेल रहे हो ना, तो इरेंगल का बता रहा हूँ, जोन का सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पहले ही जाके घुस लो, क्योंकि मैंने इतना देखा है कस्टम में कि अगर आप एक सेकंड भी लेट हो जाते हैं तो दूसरी टीम झटके से घुस जाती है। सो हमेशा ट्राई करो सबसे पहले मूव करने का, और सबसे पहले मूव करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो कंपाउंड्स है वो खाली मिल जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड्स तो यार बहुत सारे हैं, 100-150 कंपाउंड है पूरे इरेंगल मैप में, और सेंटर जिधर भी बनता है वहाँ ज़रूरी नहीं है कि बंदे होंगे ही होंगे, इसलिए पहले जाके अपनी दावेदारी ठोको। अगर कोई बंदे हैं अभी तो भाई वहाँ से दूर निकल लो, आसपास का कंपाउंड पकड़ लो, क्योंकि आसपास कंपाउंड होते ही हैं।
अब क्योंकि ये जगह सेंटर में है तो बंदे तो आएंगे ही, और बंदे आएंगे तो भाई फाइट तो होगी, और फाइट होगी तो भाई किल निकलेंगे, जिससे जो है पोजीशन अच्छी निकलेगी। एक तो तुमको किल मिलेंगे और किल पॉइंट के भी बहुत अच्छे वो होते हैं, ठीक है, पॉइंट्स किल के भी। सो आपको दोनों ही चीज़ें जो है देख के चलनी पड़ती हैं। अब यहाँ पे पीछे बंदे आ जाते हैं, और ये अपना ग्लोक भाई था जो कि यहाँ पे स्काउट करने आया था, यहाँ पे देखने आया था कि कोई है भी कि यहाँ पे नहीं। और जैसे ये अंदर आता है तो देखो क्या किया जाता भाई भाई के साथ। मेरा आगे वाले घर पे, ठीक है, ठीक है, नेट कर, पीछे तो देखो, नाइस मार, फिनिश कर दे उसे, फिनिश कर दे। अब क्योंकि ये ग्लोक भाई जो है अकेला ही आया होता है, तो भाई इसको तो हम जो है नॉक एंड फिनिश डाल देते हैं दोनों ही, क्योंकि अपने टीममेट को रास्ता भी तो दिखाना होता है। और ऐसा होता है जो भी स्काउट करने जाता है, जो भी कंपाउंड देखने जाता है, जो भी पाथ बनाता है, या जो भी आईजीएल होता है, मोस्टली उसके साथ यही चीज़ होती है। जब वो किसी कंपाउंड को देखने जाता है तो भाई हमेशा एक बार उसका 360 व्यू देख लेना चाहिए। वन साइड से देखते हुए लगता तो जरूर है कि कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली में अंदर बंदे होते हैं। फिलहाल देखो मैं यहाँ पे टायर फोड़ने की ट्राई करता हूँ। कस्टम में और कुछ हो ना हो, लेकिन जो डैमेज है वो बहुत ही ज़्यादा होता है यार, क्योंकि बंदे नॉक जल्दी होते नहीं है, डैमेज खाते हैं फिर चले जाते हैं। फिलहाल इस तरह मैंने एक गाड़ी आते हुए दिखी थी और तभी फायर होता है। और यहाँ पे जो है बंदे हैं, लेकिन वो इस रिज के पीछे हैं, लेकिन हमको उनसे खतरा नहीं है क्योंकि हम अपनी चार दीवारी जो कंपाउंड है उसके अंदर सुरक्षित बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने कहा भाई सामने वाले कंपाउंड में बंदे आ चुके हैं। अब हमको सिर्फ फोल्ड करना था, देखना था जोन किस तरफ को कट रहा है। और बाय चांस इस वाले मैच में थोड़ा बहुत लक अच्छा था हमारा, अब लक अच्छा इस मामले में था कि भाई जोन हम पे कट रहा था बार बार। अब यहाँ पे क्या होता कि डीपी जो है हमारे टीम में डेंजर अच्छा चलाता था, तो उसको मैंने जो है डीपी दे दी। सो मैं जो है M4, उसकी जो M4 होती है वो ले लेता हूँ। थोड़ा मेरे पे एमओ भी कम पड़ रही थी, उसके एमओ भी थी, तो भाई सही से हो जाता सब कुछ। अब क्योंकि मेरे जो टीममेट्स हैं वो मेन असॉल्टर्स हैं, तो उनको किल उठाने रहते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे टीम आती है, एक टीममेट को सीक्रेटली शेक के अंदर बिठाया, जिसको मैंने कहा फुट स्टेप मत देना तो हमारा एक्स फैक्टर साबित होगा और हम यहाँ से फाइट करेंगे। अब उन लोगों को पता नहीं था कि डेंजर है वहाँ पे, और फाइनली डेंजर ने जो है नॉक कर दिया वहाँ से। एक एक करके फाइनली ये वाली पूरी टीम को जो है वाइप आउट कर दिया हमने। ये पता नहीं किस बंदे की टीम थी, लेकिन हाँ एक बंदा हमारा नॉक हुआ। तो उसके जस्ट आगे मैं आ जाता हूँ, क्योंकि ऊपर से क्या होता है कस्टम में ना, नॉक बंदों को फिनिश करने के रिवाज बहुत गलत रहता है, क्योंकि दूर से अगर आपका बंदा नॉक हुआ और किसी टीम ने आपको देख लिया तो वो तो भाई फिनिश कर देगा, एक पॉइंट मिलेगा ना उसको। सो अपने एक पॉइंट के लिए वो फिनिश तो जरूर करेगा। सो उसके आगे खड़ा हो जाने का, जिससे क्या होता है कि आप एटलीस्ट उसकी कुछ बुलेट खा जाते हो अपने पे, और सामने वाले को डैमेज भी दे सकते हो, क्योंकि नॉक बंदा तो काउंटर फायर कर नहीं सकता। तो ऐसे में इसलिए मैं उसके आगे आया, थोड़ा सा उसको जो है कवर दिया वहाँ पे। फिलहाल ये दिक्कत बहुत होती है यार, जब आप नॉक करो और वो बंदा जो है घिसड़ घिसड़ के जो है घर के अंदर चला जाए। हालांकि वो 1 HP पे बचा होगा, बट एट द एंड बच जाता है, क्योंकि पीछे से देखो ये गाड़ी आई और ये कहीं ना कहीं उसका टीममेट है। फिलहाल अब हम किल उठा रहे हैं जस्ट और जस्ट, एंड देखा जाए तो जोन अभी भी हमारे साथ है, तो इस चीज़ की तो काफ़ी खुशी है हमको कि बार बार जोन जो है वो हम पे बन रहा है। और ऐसे में जो है चिकन डिनर के चांस बहुत हाई हो जाते हैं। इसके जस्ट पिछले मैच में हम चिकन डिनर करके आए हैं, अभी अच्छे खासे किल भी है हमारे पास, और अभी हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब बैक टू बैक किल करे जा रहे हैं अभी। और भी फिलहाल हमारे सामने जो शायद बंदूकबाज की टीम थी, क्योंकि मैक्लारेन जो है वही यूज़ करता है मोस्टली टाइम, मतलब है। अब होता क्या कि वहाँ पे ना एक्चुअली में बंदूकबाज की टीम थी, और यहाँ पे अब फाइनली जोन जो है निकल चुका है, कट चुका है जोन, हमको निकलना पड़ेगा जोन के लिए। अब टीममेट्स को मैं कहता हूँ कि अभी से मत जाओ, सब रेडी थे निकलने के लिए, बट अभी अगर मैं निकल जाता तो उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती कि अगर मान लो हम सारे के सारे जोन में चले गए
अब होता क्या है कि हमारा जो लेफ्ट साइड है, जो लेफ्ट साइड है वहाँ से पूरा का पूरा ओपन है, कोई कवर नहीं है। अब देखो मेरा लेफ्ट साइड पूरा ओपन है, कोई कवर नहीं है। तो सोचो यहाँ पे बैक टू बैक चार बंदे आएंगे, तो सामने जो भी बंदे रहेंगे वो हमको इजीली जो है वहाँ से मारना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने अपने टीममेट को कहा कि सामने भी बंदे हैं, लेफ्ट में भी बंदे हैं, एक काम करो तुम जब सर्कल बंद होगा उस समय तुम यहाँ पे आना। और सर्कल बंद होने में कुछ 10-20-30 सेकंड के करीबन थे, तो मैंने यहाँ पे कपड़े भी उतार दिए अपने, और देख रहा था कि भाई क्या बन सकता है यहाँ से, कौन किधर है, थोड़ा पोजीशन देख लिया जाए, क्योंकि मेरे सामने जो शेक है उसके अंदर तो बंदे हैं भाई अभी, ठीक है। और वो शेक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब फाइनली जैसे जोन आता तो मेरे टीममेट सर्कल के अंदर, और जैसे कि मैंने कहा था लेफ्ट पूरा ओपन है, तो भाई धड़ाधड़ फायरिंग होती है और डेंजर। अब एकदम से 3 नेड आए, और भाई 2 नेड में तो 2 बंदे नॉक हो गए, और आखिरी नेड में दोनों फिनिश भी हो गए। तो ये घाटा होता है जोन के बाहर रहने का। फिलहाल मैं जैसे तैसे करके बच गया, मेरे को सामने से पड़ रही थी, बट एक स्मोक मैंने अपनी बगी के ऊपर भी डाल दिया, क्योंकि भाई यही वो बगी है जिससे मुझे निकलना है। और सामने से नेड वेड भी आ रहे थे, तो मैं समझ गया था भाई कि उधर की तरफ तो नहीं जाना है कुछ भी करके। अभी नहीं वो शेक वालों को आप सप्रेस करो। अब कुल मिला के जो है सामने से पोजीशन निकालनी है मेरे को। मैं अपने टीममेट को देख रहा था, वो काफ़ी सिक्योर जगह पे है, लेकिन दिक्कत वहाँ पे ये है कि पीछे भी जस्ट एक बंदा है वहाँ पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा, वही जो बंदा है वो बाद में उंगली करेगा हमको। फिलहाल के लिए तो इस तरफ जो शेक में बंदे हैं यार, इनको नेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जाने से 10 सेकंड पहले नेट कर जाता हूँ, एग्जैक्ट 3 सेकंड होने पे वो फटेगा जिस समय ये लोग बाहर की तरफ जोन के लिए निकलेंगे। बट क्योंकि जब नेट गिरता है तो टन की आवाज़ आती है और वो लोग समझ जाते हैं, तो वो बाहर ही नहीं निकले। शायद थोड़ा और अच्छा टाइम से नेट किया होता तो बेटर होता। बट कैसे तैसे करके मैं जोन के अंदर पहुंच गया। अब जहां पे हम जोन के अंदर पहुंचे हैं वो एज है, लेकिन उस एज के भी एज पे एक बंदा है, मतलब बहुत एज पे। एक पल के लिए मेरे को वहाँ पे बंदा दिखता है, लेकिन मैं उसको नहीं मारता, क्योंकि मैं खुद ओपन में था, तो मैं किसको क्या मारूँ। मेरा टीममेट नॉक हो जाता है इस चक्कर में, मैंने स्मोक कर दिया वहाँ पे अच्छे खासे। अब एक गलती कभी मत करना लास्ट सर्कल में उठ के जाने की, क्योंकि इतने लोग लेटे होते हैं ना, सब वैसे भी ध्यान रहता है ये सबका, और अगर आप उठ के भागोगे तो वो और क्लियर हो जाता है। तो मैं लेट के चलता हूँ, कितना भी कोशिश कर लो लेट के आप दिखते नहीं हो, बहुत कम दिखते हो, मतलब ऑलमोस्ट ना मात्र। तो लगता है कि भाई लेट के जब घिसरते समय हम दिख ना जाएं, नहीं दिखते भाई, नहीं दिखते, इजीली चला करो। अगर आप उठ के भागोगे तो ज़रूर दिख जाओगे। सो मैं एक उधार लेता हूँ स्मोक, उसको कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता था ये स्मोक कभी भी वो हो सकता है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली मैं इसको रिवाइव देने के बाद चुपचाप यहाँ से अपनी जगह पर वापस चला जाता हूँ। अब स्मोक शायद ही बचे थे मेरे पे, जोन जाना था, पोजीशन अच्छी निकल सकती थी, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है कि थोड़ी सी जो लालच होती है ना, थोड़ा सा जो इम्पेशेंट होता है वो मैं हूँ, थोड़ा सा उठ के भाग जाता हूँ। अब इस बंदे से तो नहीं मरा मैं, लेकिन नेट से ज़रूर मर गया। और यही होता है गाइस, इस मैच में हमारी पोजीशन #5 और किल जो है 10 थे, अच्छे पॉइंट थे, बहुत अच्छे पॉइंट थे। लेकिन जो गलती मैंने करी, इतनी देर से मैं आपको कह रहा था कि भाई कभी भी खड़ा होकर नहीं जाने का, लेट के जितना मर्जी घिसड़ पिसड़ के चलो, नहीं दिखेंगे आप किसी को भी। बहुत रेयर चांसेस है कि आप लेटते लेटते किसी लेटने वाले आदमी को दिख जाओ। एक लेटे लेटे आदमी को लेटा आदमी नहीं दिखता है जब तक कि वो आस पास ना आ जाए एक दूसरे के। तो हमेशा मैंने गलती कर दी वहाँ पे उठ के भागने की, उठते भागते मेरे जो जस्ट पीछे जो सांप लेटा हुआ था उसने मेरे को पेल दिया वहाँ से, और मेरे को अलग पेला और मेरे टीममेट को अलग पेल दिया, क्योंकि वो भी पीछे ही था। तो ये एक गलती हो गई, अदरवाइज़ जिस पोजीशन पे हम थे वहाँ से चिकन डिनर इजीली बनता था। मेरे सामने जो बंदे पत्थर पे थे उनको तो मैं बड़ी ही इजीली जो है पीछे से नॉक एंड फिनिश मारता, और इजी ये मैच हो सकता था अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस रखता। मैंने ये देखा कि भाई जोन आ रहा है, मेरे को 21 मीटर जाना है, रगड़ के चलूँगा तो शायद ना पहुँच पाऊँ। तो मैं पहले थोड़ा सा लालच में आके उठ के भागना स्टार्ट कर देता हूँ, गलती कर दी मैंने। आई होप आप ये गलती नहीं करोगे कभी भी कस्टम खेलोगे तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कुछ सीखने को मिला तो बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं इसी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।